सलामकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज हम लोग आए हुए हैं उधर, जो लोग कहते हैं कि फ्रॉड है बहुत बड़ा, पता नहीं क्या होगा ब्लू वर्ल्ड सिटी में। तो मुजम्मल भाई एक्सप्लेन करें, ये फ्रॉड कैसा हो रहा था? मुझे तो कोई समझ नहीं आ रहा था ये फ्रॉड। देखिए रजा भाई, जिसने फ्रॉड करना होता है ना, वो इतना पैसा नहीं लगाता, ठीक है? अभी हमने अंदाजा लगाया, जैसे हमारा अंदाजा है कि अभी नीचे जो उसने पैसा लगाया ना, आगे लगा कैमरे को, कैमरे आगे लगेगा, हमारा एक ग्राफ अंदाजा है कि यहाँ नीचे जो है ना तकरीबन 10 करोड़ के आसपास है, इससे ऊपर पैसा लग चुका होगा नीचे। बिल्कुल पैसे ऊपर ही लगा हो, और बाकी ये जो इन्होंने स्लाइड बनाई हुई है, ये भी इन्होंने चाइना से इम्पोर्ट किया सारा माल, ठीक है? चाइना इंजीनियर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो सर जिन्होंने भागना होता है ना, वो फिर इस तरह के काम नहीं करते, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक गेट बना देते हैं और बस वो बना के फिर भाग जाते हैं। इन्होंने माशाल्लाह इतना एरिया एक्वायर कर लिया है, और ये देखिए वाटर थीम पार्क, मेरा ख्याल पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क ही बन रहा है। बल्कि पिंडी इस्लामाबाद में, ये मैं ऐड करता हूँ, पिंडी इस्लामाबाद में वाटर थीम पार्क नहीं है। अगर इनको अगले साल किसी को मिलना है तो वो ब्लू वर्ल्ड सिटी में ही मिलेगा, बिल्कुल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का। और वो भी देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है ये वाटर थीम पार्क। देखिए ना, अब ये जैसे एक इन्होंने जो है स्लाइड यहाँ बनेगी, एक ये बन रही है, एक वो अगर आप पीछे देखें तो ग्रीन कलर के जो पोल बने हुए, एक वो इन्होंने पार्ट बनाया है, एक उधर पार्ट बन रहा है, ठीक है, एक इधर पार्ट बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक वाटर थीम पार्क है, और मतलब ये इट्स अमेजिंग, ये अमेजिंग चीज है। और मतलब मैं, मुझे तो इस चीज में रत्ती बराबर भी शक नहीं है कि ये एक रियल ऑथेंटिक ऑन ग्राउंड सोसाइटी है, ठीक है? ये जो लोग पोजेशन भी दे दी हुई है और प्लॉट घर लोग बना रहे हैं, और हम लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, हम लोग कमर्शियल शुरू किया हुआ है, तो हमें तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही अभी तक कि इस तरह की कोई चीज है। सर जो लोग मार्केट की ओवरऑल हालात ऐसे बने हुए हैं, थोड़े से गवर्नमेंट लेवल पे भी आप बोल सकते हैं, तो जो काम थोड़ा सा रुका हुआ, अदरवाइज जब भी हल्की सी भी पॉजिटिव वाइब आएगी, मार्केट थोड़ी सी बेहतर होगी, तो ये इसका इसके रेट बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। सर पता क्या, जो लोग बात करते हैं ना कि ब्लू वर्ल्ड सिटी फ्रॉड है, वो लोग बात करते हैं जिन्होंने ऑन ग्राउंड आके देखा नहीं है, जिन्होंने घरों में बैठ के फेसबुक यूट्यूब पे बैठ के जो ना लोगों के कमेंट सुनते रहे। अगर आप ऑन ग्राउंड आके देखें तो मेरा ख्याल है ये, अगर मैं पूरे इस्लामाबाद की बात करूं तो ये ब्लू वर्ल्ड सिटी शायद इस्लामाबाद से बड़ा है। इस्लामाबाद फैजाबाद से लेकर आगे ले जाए फैज मस्जिद का एरिया है, तो उससे बड़ा है सर ये ब्लू वर्ल्ड। 2.5 लाख की जो जमीन है वो क्लेम कर रहे हैं, और उस पर मशीनरी भी चल रही है, मशीनरी भी चल रही है। तो माशाल्लाह से बड़ा काम हो रहा है, ऑन ग्राउंड ऑन साइड बहुत काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये फ्यूचर का जो ना एक टूरिस्ट हब होगा पाकिस्तान का। थैंक यू सो मच जी, आप हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टा आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली अपडेट हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह।